वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अर्शद दिसरो, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेवात आज तक की टीम इस वक्त पहुंची है पिनंगवा शहर में। अरे, मेरे सामने ये तीन बहनें हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इनके पिताजी नहीं है, वो बचपन में इन्हें छोड़ कर गुजर चुका है, और इनके दो भाई भी हैं मगर वो बहुत छोटे बच्चे हैं अभी। तो अब ऐसे में किस तरीके से इनका गुजारा चलता होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे अपना गुजारा कर रही। भाई बहुत छोटे हैं, पिताजी इनके है नहीं, ये बेचारी पढ़ी लिखी भी शायद नहीं होंगी, कहीं कमाने के लिए कहाँ जाती हैं, कैसे इनका गुजारा चलता। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि मामला है क्या। क्या नाम आपका, क्या परेशानी कर लो आपको? ये परेशानी कोई है नहीं, घर वाला देख रहा है, दो भाई जी नहीं, पापा नहीं, कोई है माँ, एक वही खाने पीने को मांगने जाती है। आपकी कोई मदद की अभी तक किसी ने? नहीं की। तो पहली बार ये लोग आए हैं? हाँ, पहली बार आए। तो आप क्या चाहते हैं? यही की चाहते हैं हम कि हमारी सब भी ऐसी मदद करो, जैसे हम जैसे पढ़े, हमारी हेल्प करो ऐसे ही। जी जी जी, ठीक है। जैसा कि इस बहन ने बताया अपनी परेशानी, आपने सबने सुनी है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनकी मदद के लिए आ जाना चाहिए, क्योंकि एक तरह से मजलूम है ये बच्चे। तो मेरे सामने एक और है जी। आपका क्या नाम है? पूनम। क्या नाम? मेरा नाम राखी। राखी, राखी आपको कैसी परेशानी है, कैसे आप खाते पीते हैं जब पिताजी नहीं है? मेरे पिताजी भी ऐसे, अंकल जी, मेरी माँ का पैर टूटा पड़ा है, कोई आप जैसे आ जाते हैं तो दे जाते, नहीं तो बैठे रहते। और ऐसी गरीब सहायता कोई कर जाए तो सरकार की तरफ से उसको धन्यवाद ही कहेंगे हम। और हम हमारी माँ का भी पैर टूटा पड़ा, जब वो कहीं चली जाए ऐसे में धंधा पानी भी नहीं लगता, छोटे छोटे बहन भाई है, बाप भी ऐसा है, बड़ा बुरा सा। क्या कहना चाहते हैं? अभी ये जान मोहम्मद ठेकेदार जी आए हैं अडेरना से आपकी मदद के लिए, क्या कहना चाहते हैं आप, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अब आप जैसे सड़क के लिए से चल कर आए, आप जैसे ऐसी राशन पहुँचाते रहे तो गरीबों का पेट भर जाए, इसीलिए। तो आगे जो समाज के लिए, सरकार के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे आप? यही कहना चाहते हैं कि हमको राशन पहुँचाते रहे खाने के लिए, गरीबों का पेट भरते रहे। जी जी, बस अपने रुकी सुखी कर लेते थे और खाते रहते थे, कोई बात नहीं। फिर आप आए हो इतने दिन बाद, कोई बात नहीं, अभी आपको लगातार मिलेगा खाना, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? और कुछ नहीं कहना। ये कौन लगता है आपका? ये तो वहाँ का रहने वाला रिश्तेदार है। तो मैं सभी यूजर से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो पे एक शेयर जरूर करना, क्योंकि ये जो बहन है बेचारी, तीनों, इनके पिताजी नहीं है और ये एक तरह से मजलूम है, तो ऐसी बहनों की मदद करना बहुत जरूरी है। वैसे ये तीनों ही बहन हमारी हिंदू समाज से हैं, बट इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं, सभी की बहन है ये। और जैसे कि हमारे जान मोहम्मद ठेकेदार साहब जगह जगह पर जाके ऐसे लोगों की मदद कर रहा, कहाँ पर बड़कली से चल के वो यहाँ पिनंगवा आए हैं, जैसे इनको कोई फ़ोन कर रहा था वहाँ फ़ौरन पहुँच रहे हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप सभी इस पर एक शेयर भी करें और किसी भी तरीके से इनकी मदद के लिए आगे आने की कोशिश करें। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। लेकिन क्या परेशानी बताइए? परेशान चार नंद, एक सास है, ससुरा नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? पीछे से है? पीछे से कहाँ के रहने वाले? गोविंदगढ़ के रहने वाले, पर यहाँ फंस गए हम। यहाँ पर किस तरीके से फंसे? कितने दिन? अपनी बहन से मिलने आए थे हम। अच्छा, इसलिए आप यहाँ फंस गए? यहाँ जा नहीं पा रहे? हाँ, जा नहीं पा रहे। तो अभी कैसे गुजारा चल रहा है परिवार? आता है राशन, आ जाता है, उसलिए गुजारा चल जाता है। आपके पास राशन कार्ड है? नहीं, कुछ भी माई छोड़े आए सकने। जी जी जी, आपका क्या नाम है? प्रिया। प्रिया, आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे प्रशासन के लिए, हमारे लोगों के लिए? मैं दिल्ली की हूँ। अच्छा, आप दिल्ली की? मैं और मेरे हस्बैंड है। अच्छा, जो यहाँ कैसे आ गए? हम मेरी नानी से मिलने आए थे, मामा की तबीयत खराब थी। अच्छा, जिस वजह से कर्फ्यू लग गया, इस वजह से जाना नहीं हुआ। अच्छा, तो ये आप देखा, ये दिल्ली की बहन और ये और इनके हस्बैंड यहाँ अपनी नानी से मिलने आए थे, बट कर्फ्यू की वजह से यहीं फंसे रहे। कितने दिन से आप फंसे हुए यहाँ पर? जब से कर्फ्यू लग गया जब से फंस गए तभी से यहाँ पर है। हाँ। तो यहाँ पे अब कैसे गुजारा चल रहा है? अब खाना मिल जाता है। कौन देता है? बना बनाया राशन भी मिल जाता है कभी कभार। अच्छा, बना बनाया मिल जाता है देने के लिए? देखने, सुबह देके जाते हैं। चलिए, ये जो बहन है बहुत सच्ची है, जैसे कोई इनकी मदद करता तो बता रही है कि कुछ थोड़ी बहुत मदद इन लोगों की हो जाती है। बाकी कुछ ऐसी बहन भी जिनको अभी तक मदद ही नहीं मिल पाई, जो पीछे हमारी जो कॉलोनी थी वहाँ पे किसी कोई मदद नहीं। हाँ, थोड़ा गरीबों की हेल्प कर दी है जी, और कुछ नहीं। ठीक। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।